Hi everyone, welcome to my channel Beauty at Home. Don't forget to subscribe my channel, share it and like it. Hit that bell icon. Hi guys, this is Meenu and welcome to my channel. So, आज हम ये look create करने वाले हैं. This is basically a festival look जो कि हम you know Christmas के लिए करने वाले हैं. So, this is a look which we are going to try today. So, let's get started. So, first we have to prepare the skin. Here I'm using this plum oil, as you can see. So, I'll start with this first. So this मैं use कर रही हूँ एक cream, Nivea cream, जो कि बहुत ही मुझे लगता है makeup में underrated है. लोगों को लगता है कि it's just a cold cream and you know उसका ज़्यादा कोई benefit नहीं है. So actually take my words, बहुत अच्छी cream है and for dry skin it is awesome, बहुत अच्छी cream है ये. So just apply it on your face nicely. Prepping मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, बहुत important है. अगर आप स्किन केयर पर नहीं करते हैं, कितना भी अच्छा मेकअप कर लेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा उस मेकअप का. सो वंस आई हैव डन दिस, सो हेयर आई एम अप्लाइंग कलर बार का प्राइमर. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस प्राइमर ऑल ओवर माई फेस. सो इसको मैं इतना ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑल ओवर माई फेस. मैं इसको सिर्फ डॉट्स पे लगा रही हूँ, आई मीन डॉट्स लगा रही हूँ पूरे फेस पे एंड देन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. एंड यस, नेवर एवर अवॉइड योर नेक. अपने नेक को कभी अवॉइड मत कीजिए, बिकॉज अगर आपने फेस को मेकअप अच्छे से किया है एंड नेक को आप अवॉइड कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी बहुत बहुत नोटिस में आता है एंड इमिजिएटली सारा लुक खराब हो जाता है मेकअप का. So I'm going to apply this. I'm applying Swiss Beauty Pearl Highlighter. So it's a you know illuminator है. It's very nice. But हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं लगाना है. Either you can apply it on your face directly or you can mix it with the foundation also. So यहाँ मैं इसको इतने छोटे you know dots में यहाँ लगा रही हूँ. Just at the points जहाँ पर हमें थोड़ा सा स्किन को हाईलाइट करना है, तो सिर्फ मैं इसको वहाँ लगाऊंगी. इट्स वंस दिस इज़ डन. सो नाउ मैं अपने फेस का मेकअप पहले करना पसंद करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप फर्स्ट. तो यहाँ मैं लगा रही हूँ सुपर स्टे फाउंडेशन फ्रॉम मेबेलिन. सो दिस इज़ द फाउंडेशन. ओके, सो इसको हम फेस पे लगाएंगे सबसे पहले एंड मैं इसको एक पंप ले रही हूँ, हाथ पे ले लिया है और मैं इसको डॉट्स में पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ. डोंट फॉरगेट द नेक मेकअप. सो हेयर आई एम यू नो यूजिंग अ ब्लेंडर टू यू नो स्प्रेड दिस एंड मेक श्योर कि आपका जो ब्लेंडर है आपने इसको अच्छे से वेट किया है एंड वेट करने के बाद आपने इसको फिर यूज़ करना है. गेट योर ईयर्स ऑल्सो, अगर आपके कान दिखने वाले हैं, आपका इस तरह का हेयर स्टाइल है कि आपको लगता है कि आपके कान भी दिखेंगे, तो प्लीज़ उस पर भी लगाइए आप. ओके, सो वंस दिस इज डन, ये हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई अ कंसीलर. सो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ डार्लिंग इजाबेला का. ओके, सो द शेड हेयर विच आई एम यूजिंग इज बेज सुप्रीम 04. आप कंसीलर यूज़ करेंगे ऑलवेज यूज़ इट दिस वे. आप इसको ऐसे लंबा करके लगाइए, बस उसको हल्का सा डॉट्स करके छोड़ देना, दैट इज नॉट द राइट वे. जो भी आपके डार्क एरियाज हैं, मोस्टली जो हमारे यहाँ की स्किन होती है अराउंड दी लिप्स, ये थोड़ी सी डार्क हो जाती है, तो इसको बहुत ज़रूरी है. अब इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड मेक श्योर कंसीलर को आप खींचना नहीं है, हमें ड्रैग नहीं करके लगाना है, हमें सिर्फ उसको दबाना है, उसको हमें स्किन के अंदर जाने देना है. दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू. ओके, सो वंस दिस इज़ डन, मैं यहाँ पे अब कंटूरिंग करूँगी. सो कंटूरिंग विच आई एम यूजिंग हियर इज़ वेट एंड वाइल्ड का मैं यूज़ कर रही हूँ एंड
दिस इज़ अ वेरी नाइस कंटूरिंग किट फॉर बिगनर्स. बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है. सो आई वुड एक्चुअली आई डैब इट एंड हमारे जो यहाँ कॉर्नर होता है, यहाँ से हमारे ईयर शुरू हो रहा है. ओके, सो हम यहाँ से इसको लेंगे एंड वी टेक इट टुवर्ड्स द मिडल ऑफ आवर बिटवीन नोज एंड लिप्स के बीच के मिडल तक हम उसको लेंगे. ओके, एंड सेम आई एम गोइंग टू डू हियर. Then I'm going to apply it on my nose as well. Then मैं थोड़ा सा अपने forehead को भी contour करूँगी. Then I'm going to do it here. तो अगर यहाँ पर अगर आप contouring करते हैं तो आपको बहुत अच्छी finishing मिलेगी. आपका जो अगर double chin है तो face को बहुत अच्छा shape मिलेगा आपको इससे. So once this is done, इसको मैं अभी करके छोड़ दूँगी. सो मैं इसको भी क्लियर नहीं करने वाली हूँ. आई विल स्टार्ट विद द आई मेकअप फर्स्ट. तो आई मेकअप के लिए, सो एज आई टोल्ड यू, इट्स अ क्रिसमस मेकअप. अगर मैं क्रिसमस को कलर्स में डिस्क्राइब करूँ तो इट वुड बी ऑल अबाउट ग्रीन्स, गोल्डन्स, रेड्स एंड वाइट्स. सो आज हम जो मेकअप करने वाले हैं, सो दैट इज़ गोल्डन एंड रेड. यस, सो मैंने यहाँ पे पैलेट लिया. इट्स अ वेरी नाइस पैलेट, मुझे बहुत पसंद है ये पैलेट. निकैक का है ये पैलेट. एंड इसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद यू नो द लाइटेस्ट शेड हेयर. सो जब भी हमें आई शेडो लगाना है, सो वी गो फ्रॉम आइदर डार्क टू लाइट. और अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, इट हैज़ टू बी लाइट एंड देन डार्क. ओके, सो मैं यहाँ पे जो स्टार्ट कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऊपर से. ओके, तो ऊपर के लिए हम सबसे पहले जो है, वी विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट. ओके, सो आई टेकिंग माई ब्रश एंड आई एम टेकिंग दिस शेड हेयर, द लाइट शेड. ओके, सो मैं यहाँ पे ये शेड ले रही हूँ. मैंने अपना ब्रश इसमें प्रोडक्ट में लगाया. तो वी टैब इट अ लिटल एंड आई स्टार्ट पुटिंग इट. हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है प्रोडक्ट. अगर हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको ना ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है. आई शेडो इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग. हम जितना अच्छा इसको ब्लेंड करेंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा खिल के आएगा. सो वी जस्ट हैव टू ब्लेंड 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 ब्लेंड. ओके, सो दैट्स हाउ आई एम ब्लेंडिंग. आई टेक अ स्मॉल मिरर कि इसके बिना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे. सो आई टेक प्रोडक्ट एंड मैंने यहाँ पे लाइट शेड, एज आई टोल्ड यू, मैंने लाइट शेड लिया है यहाँ पे. ओके, एंड सेम आई एम गोइंग टू रिपीट इट ऑन द अदर आई. अब इसका मैं एक डार्कर शेड लूँगी. सो इसके बाद मैं जो डार्क शेड ले रही हूँ, सो आई एम टेकिंग इट दिस शेड. ओके, सो जैसे मैंने कहा, ऊपर लाइट, देन डार्क एंड देन डार्क. डैब इट एंड स्टार्ट अप्लाइंग. एंड मेक श्योर हम उसको ज़्यादा नीचे नहीं करें. बिकॉज वी हैव टू लिटरली, हमें उन दोनों को कलर्स को आपस में स्मज कर देना है. अगर हम स्मज नहीं करेंगे तो इवन लुक नहीं आएगा. अब नाउ एज वी गोइंग टू डू यू नो गोल्डन आई शेडोज नाउ, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट, जैसे हमारी आईज पे अब जैसे ब्राउन शेड लग चुका है, सो हमें इसको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा. ओके, सो क्लियर इन द सेंस इसके ऊपर अपने गोल्डन चाहिए तो हमें फेस पे क्लियर करना है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसीलर लूँगी बोथ ऑफ माई आईज. और इस कंसीलर को मैं ब्रश की मदद से स्प्रेड करूँगी सो दैट वो जगह वहाँ से क्लियर हो जाए एंड देन मैं उसको आगे प्रोसीड कर सकूँ मेकअप को.
हाँ, वंस दिस इज़ डन मैं आई शेडो लगाने जा रही हूँ। ये मैं अपनी फिंगर से ही लगाऊंगी। एंड दिस आई शेडो इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड दिस इज द शेड इज टोस्टी। इट्स अ वेरी लवली शेड। आप किसी आई शेडो के ऊपर भी लगा सकते हैं इसको, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इट्स रियली वेरी नाइस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इसको अपनी फिंगर पे लूँगी ऐसे एंड आई जस्ट पुट इट ऑन द आईलिड just like that. मैं अपने दूसरे आईलिड पे भी लगाऊंगी इसको। दिस इज डन। इसको थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। ओके, सो इफ यू वांट टू स्टॉप हियर, अगर आपको लगता है कि ठीक है दिस इज इनफ, मुझे इससे ज्यादा और यू नो ग्लिटरी नहीं चाहिए, तो आप इसको पूरी आईलिड पे स्प्रेड कर लीजिए एंड जस्ट स्टॉप इट हियर। अदरवाइज मुझे थोड़ा सा और ग्लिटर चाहिए, यू नो एज आई सेड यू नो क्रिसमस मेकअप फेस्टिवल मेकअप है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ अनदर पैलेट विच इज़ ब्यूटी ग्लेस्ड कलर बोर्ड, ये यूज़ कर रही हूँ। एंड इसमें एक ग्लिटर है, यू नो दिस इज दिस वन दिस गोल्डन, ये ले रही हूँ। एंड इसको भी मैं फिंगर की मदद से ही लगाऊंगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इसको मैंने अपने फिंगर पे लिया लाइक दिस और अपनी आईज पे मैं इसको डैब डैब करके लगा दूंगी। एंड ऑनेस्टली दिस ग्लिटर मेकअप इज वेरी इन दीज डेज, बहुत बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, आई थिंक दिस इज़ इनफ। अभी बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा यू नो ग्लिटर ग्लिटर हो गया है, बट ट्रस्ट में जब भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको फिनिश्ड लुक देंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हमने जो लिया था शेड पहले लाइट शेड लिया था इस पैलेट का, सो हमने ये लाइट शेड दोबारा से लेंगे ब्रश में। वी विल डैब इट एंड इसको हम जो हमारे आउटर कॉर्नर है आई के वहाँ से हम इसको रोल रोल करते हुए अंदर ले जाएंगे। We are going to do this with other eyelid, blend, roll, blend. बस हमें इसको गोल घुमाना है, डिपॉजिट करना है यहाँ पे प्रोडक्ट को और इसको अंदर लेके जाना है, डिपॉजिट एंड अंदर। ओके, सो ये करने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा डेप्थ दे दिया है अपनी आई शेडो को। देन अगेन वी हैव टू टेक दी डार्कर शेड, जो हमने एक दो शेड जो हमने बीच में लगाया था हम उस शेड को दोबारा लेंगे यहाँ से। वी टेक इट ऑन द ब्रश, डैब इट एंड वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, डिपॉजिट एंड ब्लेंड। वी जस्ट हैव टू, ओके, सो अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट इट ऑन द अदर आईलिड एज वेल, डिपॉजिट एंड ब्लेंड, डिपॉजिट एंड ब्लेंड। ओके, सो नाउ वंस दिस इज डन आई एम गोइंग टू अप्लाई द काजल। सो काजल सो विच आई एम यूजिंग हेयर इज दिस इज़ अ फेसेस काजल, मुझे बहुत पसंद है। यू नो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डेली भी यूज़ करती हूँ, मैं यही करती हूँ। एंड आई वॉन्ट यूज़ इट इन अ पार्टी और समथिंग, मैं यही सेम यूज़ करती हूँ। यू हैव टू गिव अ स्मोकी लुक टू आवर आईज। स्मोकी लुक देने के लिए अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम वही पैलेट ले लेंगे दोबारा से जो हमने आई शेडो के लिए लिया था। एंड यहाँ पे मैं एक थिन ब्रश है और थिन ब्रश में पहले मैं वही शेड लूँगी जो मैंने लिया था द लाइटर शेड। ओके, सो ये लेके आई एम गोइंग टू अप्लाई इट लाइक दिस। मुझे एक तरह से काजल को लेते हुए स्मज करना है। आई डू इट विद द अदर आई एज वेल। यू जस्ट हैव टू स्मज इट नाइसली। हमें थोड़ा सा इसमें स्मोकी लुक आए एंड जस्ट ड्रैग इट अ लिटिल ऊपर की तरफ। ओके, सो नाउ वंस दिस इज डन वी गोइंग टू टेक द डार्कर शेड, जो हमने डार्क शेड लिया था वी गोइंग टू टेक दिस शेड नाउ एंड अगेन वी गोइंग टू अप्लाई इट। एंड मेक श्योर आप आई शेडो जब पूरा लगा लेते हैं उसके बाद जब नीचे का लगा रहे हैं तो डोंट फॉरगेट कि हमें इसको सिर्फ हाफ वे लगाना है,
हमें पूरा यहाँ पे अंदर तक इसको नहीं लेके जाना है, वी जस्ट हैव टू यूज इट हाफ वे। ओके हुआ है, वट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज अप्लाई लाइनर। सो हेयर आई एम यूजिंग लोटस लाइनर एज यू कैन सी। ओके सो हम बहुत ज़्यादा थिक लाइनर नहीं लगाने वाले, मतलब मैं बहुत थिन लगाऊंगी लाइनर। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर, हमें विंग लाइनर नहीं लगाने वाली, मैं सिर्फ नॉर्मल का लाइनर लगाऊंगी। सेम वे आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन द अदर लाइन, आई ऑल्सो हाफ वे से शुरू करते हुए आई एम डन विद द लाइनर। सो once this is done I'm going to apply false eyelashes. So here I'm using Bronson Professionals eyelashes. Before putting eyelashes I'm going to put some mascara also, kyunki mascara lagane se hamare lash thode acche shape mein aa jate hain. I'm using this colossal Maybelline colossal mascara, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, जस्ट थोड़ा सा आई लैश को शेप देने के लिए। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू पुट द ग्लू ऑन द आई लैश, वी हैव टू ड्राई इट नाइसली। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इनर साइड, हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट नहीं करना है लैश को, हम थोड़ा सा गैप दे के लगाएंगे इसको यहाँ पे 2 seconds and I think yeah it's pretty much done. So let's start with the other one. Okay so once this is done, I'm just going to apply a thin layer of liner again, ki agar hamara kahin se bhi kuch finished लुक के लिए, कि हमें कहीं से भी लग रहा है कि वो फिनिश्ड लुक नहीं आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द लाइनर वंस अगेन। सो नाउ इट्स द टर्न फॉर आईब्रोज में, फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी आई शैडो शेप माई ब्रोज पैलेट, इट्स वेरी नाइस फॉर द बिगनर्स। में आई ब्रोज को सेट करूँगी और सेट करने के लिए पहले मैं ये जो है जेल लूंगी यहाँ पे। ओके आई जस्ट टेक इट ऑन द ब्रश एंड अपनी आईब्रोज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर रही हूँ, आई जस्ट हैव टू सेट देम। ओके क्योंकि जब मैं जब पाउडर्ड आई शेडो लगाऊंगी तो ये अच्छे से सेटल हो जाएगी इस पे। ओके सो वी डोंट हैव टू बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है इसको, बस थोड़ा सा कि हमारा जब हम लगाएं पाउडर आई शेडो तो अच्छे से सेटल हो जाए। सो हेयर आई यू नो मिक्सिंग बोथ दिस ग्रे शेड एंड दिस ब्राउन शेड, मैं ब्लैक नहीं लूँगी एंड ब्लैक करिए भी मत, बहुत अजीब सा लगता है वो फिर। ओके सो ऑलवेज स्टार्ट विद द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ योर आईब्रोज। सो मेरा हाइएस्ट पॉइंट आईब्रोज का ये है, मैं यहाँ से शुरू करूँगी, आई एम गोइंग टू शेप इट। मुझे उसको बस पहले शेप देना है, उसके बाद थोड़ा फिलिंग करेंगे। ओके सो यहाँ पे मैंने उसको बस, और हमें आईब्रोज को बहुत आगे से फिल करना शुरू नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। जस्ट फिल इट लाइक दिस, गिव इट अ नाइस शेप एंड जस्ट फिल इट फ्रॉम बिटवीन दिस। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपने फेस को कॉन्टूर जो है फिनिश करने वाली हूँ। सो एक ब्रश लिया, ओके आई टेक द प्रोडक्ट अगेन, तो सब डैप किया एंड हम कॉन्टूरिंग साफ करते हैं तो ऊपर की तरफ करना है इसको हमें। ओके नीचे की तरफ नहीं, थोड़ा पहले हमने ऊपर किया एंड जस्ट ब्लेंड इट, ब्लेंड 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 ब्लेंड, हमने ऊपर किया एंड जस्ट ब्लेंड इट, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड।
सेम आई एम गोइंग टू डू हेयर. मैं यहाँ पे भी इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगी, ऊपर नहीं नीचे की तरफ. एंड मैंने फोरहेड पे लगाया था, ये भी मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी इसको. ओके, अब मैंने जो नोज़ पे लगाया था उसको मैं going to clear. If this is done, I'm going to apply my favorite thing, which is a blush. So here I'm taking a color bar brush. Blush जो कि ये है, which is pink tinge. Okay, 008 pink लिया ब्रश पे, dab it, smile and apply. Same I'm going to do it on the other side. Okay, बहुत patchy look नहीं देना है हमें. Next बारी आती है highlighting the face. Yes. So highlighter के लिए मैं use कर रही हूँ Maybelline का Master Chrome. Trust me, it's a very nice highlighter. बहुत बहुत अच्छा highlighter है. अब इसको भी हमें सिर्फ अपने high points पे लगाना है. Okay, मैं एक fan brush की मदद से इसको ले रही हूँ. I'll be putting it here. Okay, I'm going to apply lipstick. Yes. So हम एक लिप कलर लगाने वाले हैं, which is a very very beautiful shade. ये है Deborah Milano का shade and it's really very nice. I mean, and I'm going to take a small mirror. मैंने इसी से लाइनिंग अपनी कर ली है, outlining, and then I'm going to fill it. Yes, now what we are left with is हमारे जो inner corners हैं, we have to put highlighter there as well. अगर हम highlighter वहाँ पर लगाते हैं तो it gives a really really very nice look to the eyes. So what I'm going to do is मैंने एक brush लिया. Okay, यहाँ से थोड़ा सा highlighter लेके apply करूँगी in the inner like this. बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. यस, इट्स ऑलमोस्ट लाइट के लिए मैं एक अपने आईज ब्रोज के नीचे भी थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी यहाँ पे, टू गिव इट अ वेरी डिफाइंड लुक. आई ब्रोज को बहुत ही अच्छा डिफाइंड लुक आता है इससे. आई बी पैक, दिस इज़ द लुक विच आई हैव क्रिएटेड फॉर क्रिसमस 2020. यस, ज़रूरी नहीं है कि क्रिसमस पे ही आप इसको करें. यू कैन डू दिस मेकअप एज अ वेडिंग गेस्ट एज वेल. एंड आप इसको कोई भी फैमिली फंक्शन पे या किसी भी आउटिंग पे वेर यू हैव टू जॉइन अ गेट टुगेदर आप ही कर सकते हैं. यू कैन जस्ट मेक इट अ लिटिल लाइट बाई अवॉइडिंग दीज ग्लिटर्स ड्यूरिंग द डे टाइम. एल्स इट्स अ वेरी नाइस फेस्टिवल मेकअप विच यू कैन डू. आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड दिस. डू ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने मेकअप किया है, नहीं किया है, कब करने वाले हैं. इफ़ यू रियली लाइक इट, डू लेट मी नो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ नाइस थम्स अप, रिंग द बेल आइकन, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू पास ऑन दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैम. सो गाइज, बाय फॉर नाउ, सी यू अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड आई रियली रियली होप यू हैव लाइक माई चैनल. थैंक यू, बाय.